हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑर्थो टीवी। आई एम डॉक्टर दीपेश और आज हम जानेंगे लैटरल एपिकोंड्राइटिस यानी कि टेनिस एल्बो के बारे में। सबसे पहले ये बताने से पहले कि लैटरल एपिकोंड्राइटिस क्या होता है, मैं आपको पहले कुछ बताना चाहूँगा कि लैटरल एपिकोंड्राइल क्या होता है। आजकल अक्सर लोग आते हैं बोलते हैं कि कोहनी में बहुत दर्द होता है, तो जो आपके कोहनी में दर्द हो रहा है उसका एक कारण होता है लैटरल एपिकोंड्राइलाइटिस। होता क्या, ये आप देख सकते हैं, ये आपका ऊपर का जो पोर्शन है ये है आपका आर, और ये आपके आगे का पोर्शन है ये है फोर आर्म, और ये जो आपका वो एल्बो जॉइंट, तो ये ऊपर से ह्यूमरस बोन है, ये यहाँ पर जो एल्बो जॉइंट बनाती है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल एपिकोंड्राइल। और यहाँ पे बहुत सारी जो मसल्स होती हैं वो यहाँ से ओरिजिन होती हैं, बेसिकली इनको बोलते हैं एक्सटेंसर मसल्स, जो हमारे हाथ को एक्सटेंशन करवाती हैं। तो अगर यदि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है लैटरल एपिकोंडाइल पे, तो इसको बोलते हैं लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस, और सुना टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन देखा गया है टेनिस प्लेयर्स में, बट इसके अलावा ये कई और स्पोर्ट्स वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ये भी इस बीमारी से ग्रस्त थे। उसके हम देखते हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये ह्यूमरस जो बोन होती है ये है, नीचे की तरफ जो है ये ओलेक्रोनाउन है जो कि अपने अलना का पार्ट होता है, एक और बोन होती है आगे की तरफ जो फोरआर्म में होती है, ये लैटरल एपिकोंडाइल होता है जो ह्यूमरस का दो कोंडाइल्स होते हैं, इसमें एक साइड में जो लैटरल साइड में होता है उसको लैटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं। यहाँ पे जो एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं जो मसल्स होते हैं ओरिजिन करते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो नर्व इन्वॉल्व होती है लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस में ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं अभी ब्लैक कलर से शेड किया, ये होते हैं एक्सटेंसर कार्पल रेडियस ब्रेविस, बेसिकली इसी मसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, इसी मसल्स के ओरिजिन में, जिसके कारण हम पेशेंट को पेन फील होता है, हमें कोहनी में दर्द होता है जिसके कारण। अब आजकल जो मॉडर्न व्यू आई है उसके मुताबिक लोग बोलते हैं, जो बुक्स में दी हुई है उसके मुताबिक ये बोलते हैं इट इज़ नॉट अ टेंडनाइटिस, इट इज़ अ टेंडिनोसिस। बेसिकली उनका कहने का मतलब है इट इज़ अ नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। हाउ, बिकॉज जब उसकी बायोप्सी ली गई उस पार्ट की, टिश्यू को निकाल करके लैब में चेक किया गया, तो दिखाया गया देर इज नो इंक्रीज इन द न्यूट्रोफिल्स एंड द लिम्फोसाइट सेल्स। न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में बड़े हुए मिलते हैं, पर इसमें नहीं मिले, इंस्टेड हमें फाइब्रोब्लास्टिक एंड वैस्कुलर हाइपरप्लासिया मिला। तो इससे हमें ये लगा कि ये एक टेंडिनाइटिस नहीं है, इंस्टेड ये एक टेंडिनोसिस है, इसलिए हमने इसको नाम रखा एंजियोफाइब्रोब्लास्टिक टेंडिनोसिस। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज की बात करेंगे तो कोई भी जिसमें कारण, जिस भी चीज़ में हम लोगों को हाथ का मूवमेंट करना होता है इन रोटेटिंग रोटेशन, जैसे कि कपड़े को सुखाते टाइम जब हम कपड़े को निचोड़ते हैं, तब स्क्रू ड्राइवर को कसते टाइम हम हाथ को घुमाते हैं, तो बेसिकली जो मूवमेंट होते हैं इनको हम प्रोनेशन सुपिनेशन बोलते हैं, घुमाने वाले, जिसके कारण ये जो मसल्स होती है पूरी की पूरी, ये टेंडन का ओरिजिन होता है, स्ट्रेच होता है, और यहाँ पे हल्के हल्के माइक्रो टीयर्स क्रिएट हो जाते हैं, और हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली हम वहाँ पे पेन डेवलप करते हैं, स्वेलिंग होती है, रेडनेस, जितनी भी स्वेलिंग, रेडनेस, पेन और इंक्रीज इन टेम्परेचर वहाँ पे हमको मिलता है। अब हम आते हैं क्या क्या टेस्ट होते हैं कन्फर्म करने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास दो टेस्ट हैं, कि कोजन टेस्ट एक और थॉमसन टेस्ट, ये दोनों के दोनों प्रोवोकेटिव टेस्ट है। प्रोवोकेटिव इसलिए बोला क्योंकि हम पर्टिकुलर उस जहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे पेन ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को प्रोवोकेट करते हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। करते क्या है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि ऊपर की तरफ अपने जो कलाई से हाथ को उठाए, और हम अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण ये मसल जो रहती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और पर्टिकुलर जो पॉइंट रहता है उस पर पेन क्रिएट होता है, तो मतलब कि ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली कोजेंस में हम लोग ये करते हैं, ये कोजन टेस्ट था, और थॉमसन टेस्ट में हम लोग ये करते हैं, नीचे की तरह इसको फ्लेक्स करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे पेन क्रिएट होता है और हम मानते हैं टेस्ट पॉजिटिव है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो एक्सरे का कुछ भी रोल नहीं होता, अगर कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट है तो ही दिखता है, बाकी यूएस एम आर आई हम यूज़ कर सकते हैं। एम आर आई में हम लोग थिकनिंग देखने को मिलती है टेंडन की और सराउंडिंग टिश्यू की। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो मेनली जो टेनिस एल्बो जो होता है वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन है ये, एक साल सेल्फ रिजॉल्व हो जाती है, एक साल या एक साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं विद इन वन ईयर। और जो मेनली इसका ट्रीटमेंट है वो हम कंजर्वेटिव रहता है, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं, साथ में आइस फोमेंटेशन बर्फ़ से सिकाई करते हैं, और ब्रेस यूज़ करते हैं, कंजर्वेटिव ब्रेसिंग। ब्रेसिंग में बेसिकली ये दो ब्रेसेस जो हैं वो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, होता है एल्बो ब्रेस होता है वो जो हमारा एक्सटेंसर ओरिजिन होता है उससे थोड़ा आगे की तरफ हम इसको लगा लेते हैं, और जितना भी एक्सटेंसर ओरिजिन का लोड होता है ये ब्रेस ले लेता है,
और पेशेंट को पेन रिलीव होता है। दूसरा होता है रिस्ट एक्सटेंसर, ये क्या करता है, जो रिस्ट होता है एक्सेसिव रिस्ट में जो एक्सटेंशन होता है उसको इनिबिट करके रखता है, जिससे पेशेंट को पेन नहीं होता है। डायनेमिक रिस्ट एक्सटेंसर, ये आप देख सकते हैं ये। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि एक्यूपंचर है, नाइट्रेट पैचेस है, शॉक वेव ट्रीटमेंट, ये सब के सब दे ऑल हेल्प इन हीलिंग ऑफ दी अफेक्टेड टेंडन्स ओरिजिन। और ये इंजेक्शन होता है कॉर्टिसोन का, जो हम लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन जो हम लोग इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में यूज़ करते हैं, वो हम जो पर्टिकुलर जो पॉइंट यहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंजेक्शन जो होता है उसको लगा देते हैं, और जिससे धीरे धीरे पेशेंट को दर्द में रिलीफ मिलता है। यूजली हम दो इंजेक्शन लगाते हैं 3 वीक्स अपार्ट। उसके बाद आजकल जो नई थेरेपी आई है वो है पीआरपी, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। इसमें क्या करते हैं, हमारे ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को निकाल करके वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे कि सेम पॉइंट पे यहाँ पे कॉर्टिको इंजेक्शन जैसे हम इंजेक्ट कर रहे थे। उससे क्या होता है, जो वहाँ का टेंडन होता है उसकी हीलिंग को वो इनिशिएट करता है, बढ़ाता है। अब देन आफ्टर 6 to 12 months ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, अगर फिर भी पेशेंट को कोई फायदा नहीं मिलता है आफ्टर 6 to 12 weeks, देन वी गो फॉर दी सर्जिकल ट्रीटमेंट। बहुत ही कम होता है वैसे, मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। सर्जरी में बेसिकली हम जो टेंडन होता है उसका डिबाइडमेंट करते हैं, विच कैन बी डन यूजिंग ओपन मेथड और आर्थ्रोस्कोपिकली। आई होप आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा होगा। थैंक यू।